पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में यह भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद हम सभी भोजपुर जिले के पिपरहिया गांव में शीतलहर में कोहरे में भी ले रहे हैं। तो आइए सबकी आंखें बंद हो और धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 मिनट तक लगातार करेंगे, बिना कोई हरकत के, बिना कोई हलचल के। आप प्राण वायु को महसूस करिए कि वह कैसे अंदर जा रहा है और कैसे भीतर के विकारों को समेटते हुए बाहर निकल रहा है। सांस जब अंदर जाए तो आप एक संकल्प लें कि हे परमात्मा, दुनिया के ओज तेज सुख शांति समृद्धि आरोग्य सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और जब मैं सांस को बाहर छोड़ता हूँ तो ऐसा लगे मेरे भीतर के सारी बीमारियाँ, सारे विकार, अवरोध हमसे दूर हो रहे हैं। जैसे सोना को आग में डालते हैं तो सोना जल करके कुंदन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति योग करता है तो योगाग्नि में तप करके वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और कुंदन जैसा बन करके अपने भीतर के सभी मिलावटों को दूर कर देता है। धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए। जब जब आप सांस लीजिए तब तब महसूस करिए कि मैं पहले वाले सांस लेने का जो मेरा अभ्यास था उससे मैं ज्यादा सांस भर रहा हूँ। यानी हर एक सांस प्रश्वास की क्रियाएं पहले वाले श्वास प्रश्वास की क्रियाओं से ज्यादा लंबा गहरा हो रहा है। मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप, ओम भूर्भुवस्वः सत्यवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यह जब अभ्यास करते हैं ध्यानात्मक रूप से तो हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हे परमात्मा, मैं अपने आप को उच्च चेतना में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वासुदेव सर्वम, चारों तरफ वासुदेव का, चारों तरफ वासुदेव का दर्शन हो रहा है। चाहे आप पेड़ देखें, चाहे आप खेत देखें, चाहे खलिहान देखें, चाहे किसी भी जीव जंतु का दर्शन हो, तो ऐसा लगे कि हम भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी उसी में समाहित है। भगवान राम, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, जिसे भी हम देवता या भगवान कहते हैं, वह भगवान सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर स्थापित है। इसीलिए कहा गया है कि हे परमात्मा, आपके द्वारा बनाए गए सारे रचना को मैं आपका ही मूर्त रूप मान करके पूजा अनुष्ठान करना चाहता हूँ, और सांसों की आराधना के साथ हमारे भीतर के सभी बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं। और लगातार जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं 5-5 मिनट 5 दिन जब अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो 6वें दिन से आपको महसूस होगा कि हमारा हृदय शांत लग रहा है, हमारा हृदय विराट हो रहा है। जो हम संकीर्णताओं में जी रहे थे, जो केवल हम अपने लिए जी रहे थे, वही हृदय अब लगता है कि पूरी दुनिया हमारी है। कारण कि जब हम प्राण त्याग करके धरती से जाते हैं तो जिस माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जीवन को समर्पित कर रखा था, प्राण निकलते ही यह परिवार यहीं छूट जाता है और फिर अगला जन्म किसी दूसरे परिवार में होता है। यह जब आभास होने लगे तो समझ में आता है कि एक दिन सबके घर हमें जाना है, सभी जीव जंतुओं के समुदाय में जाना है। बस अपने कर्मों को ठीक करते जाएं, जब भी कोई काम करें तो उस समय सजग रहें, हे परमात्मा हमसे कभी भूल ना हो जाए, हम कभी नकारात्मक शक्तियों के साथ ना जुड़ पाएं, और हमारे द्वारा जो कुछ भी आचरण और व्यवहार होता है या मुख से हम कोई भी शब्द निकालते हैं तो इस वाणी को कहा गया ब्रह्म गवि, यानी ब्रह्मा की कन्या है, तो इसको लाज रखते हुए मुख से कभी भी अपशब्द ना निकालें, और जो कुछ भी निकले मुख से समझिए कि परमात्म तत्व का भाव निकल रहा है। तो आइए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कि सांस प्रश्वास का नियंत्रण ही, श्वास प्रश्वास का संयम ही प्राणायाम है। तो आइए अब अगला अभ्यास करेंगे।